बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड एंड वील कंटिन्यू आर चैप्टर 5 बेल्स। फर्स्ट रीड दुआ विद मी। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ माई लॉर्ड इंक्रीज माई नॉलेज। सो बेटा ओपन पेज नंबर 26। वी आर ऑन पेज नंबर 26 एंड यू रिमेंबर दैट इन 5 बेल्स वॉट वी वर स्टडिंग, that Ryan got a headache and all the family members were worried about him and they wanted to give him some gift. So Ryan said that my bicycle bell is broken, I'll get a new bicycle back. So his father, his mother and his sister all thought that they should bring a bicycle bell for Ryan. Now read forward. Now this is the picture of the sports shop. Here you can see there are two doors, one on the market street and the other is on the bank street. So when his father bought a bell and he left at the market street, his mother entered, his sister entered, and after that his mother entered. So all three bought a bicycle bell for Ryan. Now Ryan was reading a book. How's your head? Said his father. Have you looked at your broken bell? No, Ryan said. But my head's better now. Heads. ये heads meaning क्या होता है बेटे? जब apostrophe s लगी है तो head is. But my head is better now. लेकिन इसको पढ़ते भी heads हैं. Okay? This is a contraction. I'm. देखें one more contraction. I'm just going out. His father said. There's something I must do. At 10 to 11, the new bell was on Ryan's bicycle and the old one was in the dustbin. Just then Ryan's mother came in. जो father bell लेकर आए थे वो जाके उन्होंने bicycle पे लगा दी और जो पुरानी bell थी उसे dustbin में throw कर दिया. At 11 o'clock, the second new bell was on Ryan's bicycle and the first one was in the dustbin. फिर उसकी मदर आई, मदर ने जाके अपनी वाली बेल लगा दी और जो फादर की न्यू बेल थी उसको डस्टबिन में डाल दिया. हिज मदर वॉज जस्ट कमिंग इन अगेन व्हेन पेपिटा अराइव्ड. जब उसकी मदर अंदर आई तो पेपिटा जो उसकी सिस्टर थी वो आ गई. फिनिश्ड कुकिंग मॉम, शी सेड. नो, हर मदर सेड. आई जस्ट हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू. पेपिटा स्टेप्ड आउट विद द बेल. एट 10 minutes past 11 द थर्ड बेल वॉज ऑन रियान साइकिल एंड द सेकेंड वन was with the others in the dustbin. Pepita came back. फिर जब पेपिटा उसकी सिस्टर आई तो उसने अपनी वाली लगा दी बाईसाइकिल में बैल और जो पुरानी वाली थी उसे डस्टबिन में थ्रो कर दिया. हे सेड रयान, वाई इज एवरीबडी रनिंग इन एंड आउट दिस मॉर्निंग. दिस हाउस इज लाइक अ बस स्टेशन. रयान कह रहा है कि क्यों भाई सब लोग अंदर बाहर क्यों कर रहे हैं और ये लग रहा है कि घर नहीं एक बस स्टेशन है. नाउ पेज नंबर 27. He looked at the clock. It's a quarter past 11 and I still haven't looked at that bell. Oh well, I'd better take a look. उसने कहा अब क्या बन गए, क्वार्टर पास्ट 11, 11:15 हो चुके हैं और मैंने अभी तक अपनी बेल नहीं देखी तो मैं बेहतर है कि मैं जाकर देखता हूँ. द टॉप ऑफ दिस बेल isn't वेरी डर्टी, ही सेड टेकिंग इट ऑफ. नाउ लेट मी सी, perhaps आई कैन पुश दिस. ओह नो, आई हैव ब्रोकन दैट लिटिल मेटल रिंग. I would better go and buy a new one. At 11:30, Ryan was back home again with the fifth bell for his cycle. Hello, Ryan, his mother said. Is your head better? Yes, thanks, he said, laughing. And my bell's working now. Listen, they were all watching him. His mother thought, I am glad he likes his new bell. His father thought, my present was a good idea. And Pepita thought, he is happy now. He knows the bell's a present from me, but he doesn't want to talk about it. Boys are like that. क्या सोचा उसके फादर ने और उसकी मदर ने कि अब जो हम लोग बैल लेकर आए हैं उसकी वजह से रयान कितना अच्छा लग रहा है, रयान खुश हो गया है. और उसकी बहन ने सोचा कि हाँ रयान हैप्पी है और उसको पता है कि मैंने उसे प्रेजेंट दिया है लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहता. लड़के ऐसे ही होते हैं. अलेक्जेंडर बियर्ड एंड अदर्स अडेप्टेड. अच्छी स्टोरी थी ना बेटा ये. फाइव बेल्स, जो चारों न्यू बेल्स थी वो डस्टबिन में चली गई और पांचवी बेल जो रयान लेकर आया था वो लग गई थी और किसी को पता ही नहीं चला कि सब लोग हम बेल्स लेकर आए हैं. ऑलराइट, नाउ बेटा रीड दिस स्टोरी अगेन. ओके, अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.